हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, और वो जो टॉपिक है कि हमारे इंडिया के अंदर हमें जो इंटरनेट स्पीड मिलती है वो कितनी मिलती है, या कहें कि हमारे इंडिया का कितने नंबर पर रैंक आता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेट स्पीड में। और साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि हमें इंडिया के अंदर जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन में हमें स्पीड मिलती है और जो मोबाइल कनेक्शन पर स्पीड मिलती है वो कितनी है। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जो इंटरनेट यूजर हैं इंडिया के अंदर वो कितने हैं। अगर जो मैं से रिपोर्ट के हिसाब से लूं, जो कि रिपोर्ट है सितंबर 2019 की, उसमें जो है हमारे जो टोटल यूजर हैं जो नेट का इस्तेमाल करते हैं वो है 687.62 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आप देख सकते हैं कितनी जनसंख्या में हमारे जो नेट का इस्तेमाल किया था। अगर मैं से ग्लोबली के हिसाब से लूं कि हमारा जो रैंक है पूरे ऑल ओवर इंटरनेट इस्तेमाल करने में, मतलब जितने ज्यादा यूजर इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो हमारा जो रैंक है वो है रैंक 2। और पहले नंबर पर जो आता है चाइना, पर उसकी थोड़ी सी जनसंख्या ही ज्यादा हमसे। पर मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो हमारा रैंक है नंबर 1 हो जाएगा इंटरनेट यूजर के मामले में। और दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे यूजर हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो 60% जो यूजर है वो ज्यादातर मातृभाषा में ही जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो हमारा रैंक है इंटरनेट स्पीड में वो कितना है। अगर हम जो स्पीड टेस्ट, जैसे आपको पता है कि स्पीड टेस्ट एक साइट होती है, उसमें हम जो अपनी ब्रॉडबैंड और जो मोबाइल कनेक्शन की डाउनलोड और अपलोड स्पीड देखते हैं, अगर उसके हिसाब से लें तो हमारा जो रैंक है हमें वो मिला है मोबाइल में 128 रैंक। और आप देख सकते हैं जो उसमें डाउनलोडिंग स्पीड है हमारी, जो एवरेज हमें डाउनलोडिंग स्पीड मिलती है जो हमारे मोबाइल कनेक्शन में, वो हम मिलती है हमें 11.58 मेगाबिट्स पर सेकंड। उसमें जो अपलोड स्पीड हमारी है वो है 4.51 मेगाबिट्स पर सेकंड। ऐसे ही अगर दोस्तों, अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए, तो उसमें जो हमारा रैंक निकल के आता है स्पीड टेस्ट के हिसाब से वो आता है 66। और इसमें जो आप हमारे डाउनलोड स्पीड दे सकते हैं वो है 41.48 मेगाबिट्स पर सेकंड। और ऐसे ही यहाँ पे आप अपलोड स्पीड दे सकते हैं, ये जो हमारी अपलोड स्पीड है वो है 38.84 मेगाबिट्स पर सेकंड। तो दोस्तों, ये तो जो हमारी रैंक और जो डाउनलोड और अपलोड स्पीड हुई वो तो ही स्पीड टेस्ट के हिसाब से। अगर हम इसे cable.co.uk और mlab के हिसाब से ले, जो उन्होंने लिस्ट निकाली थी, तो उसमें जो हमें जो ओवरऑल, मतलब पूरा ग्लोबली जो ओवरऑल रैंक मिला वो मिला है 76, 207 कंट्रियों से कंपैरिजन करके। तो दोस्तों, उसमें जो हमारा 76 रैंक है और उसमें जो हमें एवरेज स्पीड मिलती है, मतलब जो हमारी एवरेज स्पीड बताई गई है वो बताई गई है 8.66 मेगाबिट्स पर सेकंड, जो हमें एवरेज स्पीड मिली है उनके हिसाब से। और हम इसी लिस्ट के हिसाब से लें तो जो ताइवान है इसमें सबसे पहले नंबर पे आया है, जिसकी जो स्पीड है 85.02 मेगाबिट्स पर सेकंड, जिसमें आप जो है 5 GB की मूवी कोई है या 5 GB की कोई भी चीज है जिसका फाइल साइज 5 GB हो, वो मात्र आप 8 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जो सेकंड नंबर पर, इस लिस्ट के हिसाब से जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है सिंगापुर, जिसमें जो स्पीड है, मतलब जो स्पीड है, मतलब एवरेज स्पीड जो इनकी है वो है 70.86 मेगाबिट्स पर सेकंड। और इस लिस्ट के हिसाब से हमले थर्ड नंबर पे जाता है जर्सी, जिसकी जो स्पीड है 67.46 मेगाबिट्स पर सेकंड। और इस लिस्ट के हिसाब से जो हमारा रैंक आता है वो है 76, और जिसमें एवरेज स्पीड आपको मैंने बता दी है 8.66 मेगाबिट्स पर सेकंड की जो हमें एवरेज स्पीड मिलती है। दोस्तों, अगर हम इस लिस्ट के हिसाब से लें तो जितने भी हमारे इंटरनेट यूजर है जो भी इंडिया में जो नेट का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो 42% है इसकी, तो वो जो है ज्यादातर जो है 4 मेगाबिट्स पर सेकंड ही स्पीड लेती है, मतलब एवरेज जो स्पीड हमें मिलती है। आपने देखा होगा ज्यादातर जितने भी हमारे कोई भी कनेक्शन हो, मोबाइल कनेक्शन, उसमें हमें ज्यादातर 4 मेगाबिट्स पर सेकंड ही स्पीड मिलती है। और उसके बाद जो 19% की जनता है, मतलब जो 19% है, तो वो जो है 10 मेगाबिट्स पर सेकंड तक, मतलब जो एवरेज स्पीड का लुत्फ उठाती है। और उसके बाद जो हम 10% ले, जितने भी हमारे इंटरनेट यूजर है उनमें से जो 10% लोग ही ज्यादातर जो 15 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड का एंजॉय कर पाते हैं। दोस्तों, शायद ही आपने बात ध्यान दी हो, जो हमारा ट्राई होता है जिसे हम बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने क्या किया है कि उसमें 2016 से बाद उसने कंपलसरी कर दिया था कि हर एक कंपनी को कहा गया था कि जब भी कोई इंटरनेट यूज इस्तेमाल करता है, मतलब जो 50% अपना जब डाटा वेस्ट कर लेता है, तो उसे मैसेज भेजा जाए। जब 80% रह जाए तब भी उसे मैसेज भेजना जरूरी है कि जो कंपनी का वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है, और जब वो 100% इस्तेमाल कर ले अपना डाटा तब भी उसे मैसेज भेजना जरूरी है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आप नेट का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कभी 50% या 60 या 80 या 100% पर आपको मैसेज आते जरूर है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका कि हमें इंडिया को रैंक जो है स्पीड के हिसाब से कितना मिला, मतलब डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड के हिसाब से हमारे इंडिया को कितना रैंक मिला है ग्लोबली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ के साथ। तब तक के लिए अपनी न्यूज़ देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।